नमस्कार साथियों, गुरुजी प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा विषय है 10 मस्ट रीड बुक्स फॉर आरपीएससी आरएस एग्जाम। आरएस परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है उसके लिए 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें जिन्हें तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए नए हैं, जो भविष्य में ये प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं या जिन्होंने आरएएस का एक या दो अटेम्प्ट ही दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो को पुराने विद्यार्थी भी देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो में जिन 10 पुस्तकों का कवरेज किया गया है उसके अलावा भी कई सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये 10 पुस्तकें जो होगी वो अति महत्वपूर्ण पुस्तकें होगी, इन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको हेल्प करेगी आरएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और मैं ये कहूँगा कि राजस्थान वाले भाग की तैयारी करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होगी वो होगी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें। ये पुस्तकें जो है राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के द्वारा निकाली गई है। राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक, और इन पुस्तकों में राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास यानी हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इकोनॉमी, इन सभी जो टॉपिक का कवरेज मिलेगा आपको इन चारों पुस्तकों में। इन पुस्तकों की विशेष बात यह है, ये पुस्तकें जो है कक्षा 9 से 12 तक यानी टोटल 4 पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों की विशेषता यह है कि इनको इस तरह से लिखा गया है कि अगर आपने कभी जो है राजस्थान के बारे में नहीं पढ़ा है और आपका राजस्थान का जो नॉलेज है वो ज़ीरो है तो भी आप इन पुस्तकों को रेफ़र करके इनका लाभ उठा सकते हैं। पुस्तकों की साइज़ एक छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई बाहर का विद्यार्थी जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता है, मान लिया हरियाणा का है और वो आरएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो भी निश्चित रूप से राजस्थान वाले पोर्शन की जो शुरुआत है इन 4 पुस्तकों से कर सकता है। आपको ये 4 पुस्तकें जो है नेट पर भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ये पुस्तकें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ख़रीदना है तो राजस्थान में कहीं भी जो है राजस्थान बोर्ड की कोई बुक सेलर होगा वो आपको ये पुस्तकें जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि इन पुस्तकों को ऑफलाइन ख़रीदें, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल रहा है तो उसका प्रिंट ले लें और इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं। इन पुस्तकों की जो खासियत यह है कि इन पुस्तकों में जिस तरह की भाषा या जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत अच्छी है। दूसरा यह है कि इन पुस्तकों का जो फॉर्मेट इस तरह का है कि आपको एक कहानी के फॉर्मेट में ये पुस्तकें मिलेगी तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहती है, और इनका जो रिटेंशन रेशो रहता है कि आपको लंबे समय तक ये पुस्तकें याद रहेगी। तीसरी खासियत इन पुस्तकों की ये है कि राजस्थान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आरएएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, उनमें से जो बेसिक प्रश्न है वो लगभग सारे के सारे प्रश्न आपको इन पुस्तकों में मिल जाएंगे। मैं बेसिक प्रश्न की बात कर रहा हूँ, मैं टफ वाले प्रश्न या बहुत ट्रिकी प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक प्रश्न इन चारों पुस्तकों में मिल जाएंगे, तो आप शुरुआत इन चारों पुस्तकों से कर सकते हैं। कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये चारों पुस्तकें हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो हिंदी माध्यम में ये अवेलेबल है। इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी है उनके लिए 4 में से 2 पुस्तकें जो है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 10th और 11th की जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर आपको इंग्लिश में इन पुस्तकों को पढ़ना है तो इनका पीडीएफ का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम गुरुजी प्लस है,
उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इनका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और हिंदी में इन पुस्तकों का पीडीएफ लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुजी प्लस पर मिल जाएगा आपको। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको रेडीमेड मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको इसी से करनी है। चलिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू 2018-19, अगर आप लेटेस्ट जो अवेलेबल है वो 2018-19 का है। आप जिस भी वर्ष की तैयारी करें उस वर्ष का जो है आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक रिव्यू ज़रूर पढ़ें। अब इकोनॉमिक रिव्यू जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप किसी भी वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, चाहे 2013 के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाइए, 2016 के उठाइए, 2018 के उठाइए, आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न जो है डायरेक्टली राजस्थान की आर्थिक या इकोनॉमिक रिव्यू से मिल जाएंगे, आर्थिक समीक्षा से मिल जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ये। कई बार 8 से 10 प्रश्न जो है इकोनॉमी से रिलेटेड इसी पुस्तक में से पूछे जाते हैं। दूसरा ये है आस्पेक्ट कि ये जो करंट वाला पोर्शन आपको तैयार करना रहता है वो भी लगभग 1 साल का करंट इकोनॉमी से संबंधित आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। इसमें आपको राजस्थान गवर्नमेंट की सारी योजनाएं मिल जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के अलावा मुख्य परीक्षा के सिलेबस का बहुत सारा जो हिस्सा है वो आर्थिक समीक्षा में आपको मिलेगा। तो आपको आर्थिक समीक्षा पूरी की पूरी पढ़नी है, इसके नोट्स बनाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की साइज़ जो है इतनी बड़ी नहीं है, तो आप इसको 3-4 दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसको हमने इसे मस्ट रीड बुक की लिस्ट में इसीलिए डाला है कि इसका जो है इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। आपको कम इनपुट डालना है और आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात इकोनॉमिक रिव्यू की ये है कि इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत अच्छी है। तो आप मुख्य परीक्षा में जब उत्तर लिखते हैं तो वहाँ से कुछ अच्छे सेंटेंस, कुछ अच्छी लाइनें, कुछ अच्छे पैराग्राफ जो है वो नोट कर सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। इससे आपके आंसर जो है एक मेच्योर आंसर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भी आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपको कई सारे जो डेटा है इकोनॉमी से संबंधित, विशेष रूप से राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित, वो सारे डेटा इस पुस्तक में मिल जाएंगे। योजनाओं का मैंने चर्चा कर ली है और इकोनॉमी से संबंधित जो सारी प्रोग्रेस हुई है वो आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में मिलेगी। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़ें और जिस वर्ष की तैयारी कर रहे हैं उसी वर्ष का पढ़ें, पिछले 2-3 सालों का नहीं पढ़ें, करंट ईयर का ही जो है आर्थिक समीक्षा पढ़ सकते हैं आप। तो राजस्थान के बारे में हमने दो जो है पुस्तकों के बारे में चर्चा की, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से 12 और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये दोनों मस्ट रीड बुक्स है। तीसरी जो पुस्तक राजस्थान के बारे में है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंपलसरी बुक है और आपको ये खरीदना ही खरीदना है, इसीलिए इसको ऑप्शनल लिखा गया है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप इसे खरीद सकते हैं, और पर्सनली जो है मैं लक्ष्य को प्रेफर करता हूँ, तो ये 2 वॉल्यूम में आती है, भाग 1 और भाग 2, और भाग 1 में जो है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था कवर किया जाता है, भाग 2 में कला संस्कृति और इतिहास को कवर किया जाता है। तो आप लेटेस्ट वाली पुस्तक खरीदें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर किसी और जो ऑप्शनल बुक खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लक्ष्य के अलावा दक्ष की बुक आती है, पेनोरमा आती है, वो भी आप ले सकते हैं। अब ये पुस्तक हिंदी माध्यम में तो अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो है अवेलेबल नहीं है लक्ष्य, तो आपको जो है किसी और पुस्तक को खरीदना पड़ेगा, जैसे मान लिया भल्ला ले सकते हैं आप, और बाकी इस लक्ष्य वाली पुस्तक की खासियत ये है कि एक तो ये अपडेट रहती है हमेशा, ये पुस्तक हर वर्ष इसको अपडेट किया जाता है, तो इसमें नवीनतम आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा ये है कि आरपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फैक्ट मिलेंगे आपको। तीसरा ये है कि आरएस मुख्य परीक्षा में जब 2 और 5 मार्कर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं,
उनमें से जो है कुछ कई सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे डायरेक्टली, तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेकिन अगेन करना चाहूँगा, कोई बाउंडेशन नहीं है इसको खरीदने की, ऑप्शनल है। हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक अच्छी पुस्तक है तो आप इसको खरीद सकते हैं, बाकी आप दक्ष या पेनोरमा भी ले सकते हैं। चलिए, ये तो राजस्थान के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। और भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, और उसके लिए आप स्पेक्ट्रम की पुस्तक खरीद सकते हैं। स्पेक्ट्रम की जो पुस्तक है वो संघ लोक सेवा आयोग और RAS की जो तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी निश्चित रूप से खरीदते हैं। और आपको मैं ये कहूँगा कि आपको पूरे की पूरे पुस्तक नहीं पढ़नी है, पुस्तक के वो ही हिस्से पढ़े आप जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो ले लें, और सिलेबस का जो हिस्सा है इस पुस्तक में मिल रहा है आप उतना ही पढ़ें, पूरी की पूरी पुस्तक नहीं पढ़ें, क्योंकि नई वाली जो स्पेक्ट्रम आई है, जो रिवाइज एडिशन आया है, वो काफ़ी मोटी है, तो अपने काम काम का हिस्सा ही पढ़ें। बाकी ये पुस्तक बहुत अच्छी लिखी गई है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में काम में आती है। और भारत का जो इतिहास है उसमें मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पुस्तक को जो पढ़ना है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने बात की राजस्थान की, बात की हमने भारत के इतिहास की, बात की, अब हम बात कर रहे हैं भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। और जब इंडियन पॉलिटी की बात आती है तो एक ही पुस्तक का नाम सामने आता है, वो होता है M. लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। आप ये पुस्तक निश्चित रूप से खरीदें, पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को। आप लेटेस्ट एडिशन खरीदें पुस्तक का, और अगेन मैं ये कहूँगा कि पुस्तक को पूरी की पूरी जो है शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से पुस्तक को कवर करें। आप सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा कर लें, मुख्य परीक्षा कर लें, जो चैप्टर काम के हैं उनको टिक करें और उन्हें ही पढ़ें। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की, और उसके लिए आप ले सकते हैं रमेश सिंह। लेकिन रमेश सिंह भी अगेन लेना ऑप्शनल है, ऐसी कोई मस्ट रीड बुक नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये एक अच्छी पुस्तक है इसलिए हमने इसका नाम रेफ़र किया है। रमेश सिंह को लेने से, रमेश सिंह जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है, तो अगेन मीडियम वाला प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। और आप लेटेस्ट एडिशन लें इसका, मान लिया आप RAS 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाले जो एडिशन है उसे ही लें, क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित जो डेटा है वो आंकड़े जो है वो चेंज होते रहते हैं, और हर वर्ष ये पुस्तक अपडेट होती है, स्कीम नई जुड़ती है इसमें, इसके अलावा कुछ नए चैप्टर भी ऐड होते हैं, तो लेटेस्ट वाला एडिशन लें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह एक अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा हम ये जो पुस्तकों की लिस्ट मैं बता रहा हूँ ये नए विद्यार्थियों के लिए है, जो पुराने विद्यार्थी है और जो नए विद्यार्थी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा जो है कंटेंट कहाँ से पढ़ना है उसका हम डिटेल में एक वीडियो में कवरेज करेंगे। उसमें हम RAS की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और सिलेबस की कौन सी लाइन कहाँ से पढ़नी है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, उसको डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप रमेश सिंह ले सकते हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको कोई और पुस्तक अच्छी लगती है तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। चलिए भूगोल के बारे में बात करते हैं, भूगोल के बारे में आपको ये पुस्तक जो है खरीदनी ही खरीदनी है, कक्षा 11 और 12 की NCERT, ये चारों NCERT हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये चारों पुस्तकें आप निश्चित रूप से खरीदें। और इनमें भी सिलेबस का जो आपका, जैसे मान लिया इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है तो ये पूरी की पूरी पुस्तक जो है आपके सिलेबस में है प्री और मेंस के। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में है, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी जो है कुछ चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस से मैच करते हुए पढ़ें।
ये पुस्तकें जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में भी आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ताकि आपको खरीदने में आसानी रहे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक अर्थ पर्यावरण, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, तो ये चारों पुस्तकें आप ले सकते हैं। ये मस्ट रीड बुक है क्योंकि एनसीईआरटी की है, बेसिक बुक है, आपको हेल्प करेगी, तो इसे ज़रूर खरीदें। चलिए, भारत के भूगोल के लिए अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप भारत का भूगोल, माजिद हुसैन के नाम से एक पुस्तक आती है। माजिद हुसैन जो है ज्योग्राफी के देश के सबसे बड़े राइटर्स में से एक है, तो आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन ये पुस्तक जो है ऑप्शनल है। अगर आपको कुछ और पुस्तक खरीदनी है, जैसे मान लिया कई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है वो महेश कुमार वर्णवाल को जो है उसको प्रेफर करते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। माजिद हुसैन भी एक अच्छी पुस्तक है, आप इसे भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। ये पुस्तक भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हैं। और ये काफ़ी मोटी पुस्तक है, तो सिलेबस से मिला के ही पढ़ना है आपको, पूरी की पूरी पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से जो है आप ज्योग्राफी का कवरेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो हमारा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि रवि पी अग्रहरी के नाम से एक पुस्तक आती है, उसे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं इसे ऑप्शनल कहूँगा, हम आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते आपको ये पुस्तक खरीदनी है। ये एक अच्छी पुस्तक है और ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है, तो मीडियम वाला प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं रहेगा आपको, और आपके सिलेबस का काफ़ी हिस्सा जो है इस पुस्तक में मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा उपेंद्र अनमोल की एक पुस्तक आती है, उसे भी जो है आप ले सकते हैं, उसमें भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो ये जो है रवि पी अग्रहरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑप्शनल है, लेना कंपलसरी नहीं है। उपेंद्र अनमोल भी आप ले सकते हैं, या आपको कोई और पुस्तक भी अच्छी लगे तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ये थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए सामान्य विज्ञान के बारे में बात करते हैं, और आपको ये दोनों एनसीईआरटी लेना ही लेना है, खरीदना ही खरीदना है। एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10 की, और एनसीईआरटी के बारे में अच्छी बात यह है कि ये पीडीएफ में फ्री में भी अवेलेबल है, तो अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। 9th और 10th की जो है आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, और 6th 7th 8th की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को कवर करना ही करना है। हिंदी माध्यम में भी ये दोनों पुस्तकें अवेलेबल है। हमने जिन 10 पुस्तकों के बारे में चर्चा की है वो आपको जो है आपके सिलेबस का काफ़ी पोर्शन कवर करती है, आपको हेल्प करती है, लेकिन सिलेबस जो है आरपीएससी का बहुत बड़ा सिलेबस है, काफ़ी सारे जो टॉपिक है वो इन पुस्तकों में कवर नहीं है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे आरएस की जो है तैयारी कैसे की जाए स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो हम कंप्लीट सिलेबस लेंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का, और लाइन वाइज या टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कौन सी पुस्तक से पढ़ा जाए। ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो है, और ये नए विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपको डिटेल में देखना है सिलेबस के हिसाब से, तो हम ज़रूर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, और एक वीडियो और आएगा उसके ऊपर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को बाकी वीडियो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।